टेक डॉक्टर इंडियन में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपके पास मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी पहुंचेगा। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों एक बार यह अक्सर देखा गया है कि जो रिसर्चर होते हैं उनको अपने PhD के लिए या अपने कैरियर एडवांसमेंट के लिए रिसर्च पेपर्स लिखने होते हैं। रिसर्च पेपर अधिकतर लोग अपनी की गई रिसर्च के ऊपर लिखते हैं, लेकिन कभी कभार इन रिसर्च पेपर्स के अंदर हमें कुछ लिटरेचर सर्वे देना पड़ता है जो कि उसी पेपर का बैकग्राउंड होता है, जो कि जनरली थ्योरी होती है, उसके रिजल्ट से उसका कुछ लेना देना नहीं होता है। इसी प्रकार जब हम PhD की या MTech की कुछ थीसिस लिखते हैं तो हमें उसके अंदर रिजल्ट बिल्कुल ओरिजिनल चाहिए होता है, और जो भी कंटेंट है जो हम लिखते हैं उसके अंदर वो भी बिल्कुल प्लैगरिज्म फ्री चाहिए होता है। अक्सर यह देखा गया कि जनरली लोग क्या करते हैं, पुराने रेफरेंसेस को देते हुए उस टेक्स्ट को वहाँ से कॉपी करके अपने रिसर्च पेपर में या अपने थीसिस के अंदर ऐड कर लेते हैं, जिसके कारण उनका पेपर कभी कभार जब वह उसको इंटरनेशनल जर्नल्स में पुट करते हैं तो वह पेपर वहाँ से वापस आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्लैगरिज्म कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो उस प्लैगरिज्म कंटेंट को रिड्यूस करना वाकई में ही एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि रिसर्च करने में बहुत ही अच्छे होते हैं लेकिन वह अपनी रिसर्च को प्रेजेंट किस प्रकार करें यह नहीं कर पाते हैं, और उनका बहुत सा समय इस चीज़ में नष्ट हो जाता है कि किस तरीके से प्लैगरिज्म फ्री कंटेंट को बनाया जाए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टूल लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से प्लैगरिज्म को हटा सकते हैं, और कोई भी कंटेंट जो कि पर्टिकुलरली लिटरेचर सर्वे के अंदर हम लिखते हैं या इंट्रोडक्शन के अंदर लिखते हैं उस कंटेंट को आप प्लैगरिज्म फ्री बना करके अपना रिसर्च पेपर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पर एक कंटेंट पहले आप लोगों के लिए चूज़ कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेट पे लिख रहा हूँ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखते ही मेरे पास बहुत सारे ऐसे इंट्रोडक्शन के कंटेंट मेरे पास आ गए। देखिए जैसे ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर कुछ खास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ लिटरेचर नहीं दिया गया है, तो चलिए किसी एक और दूसरी वेबसाइट को ढूंढते हैं। देखिए यह एक दूसरी वेबसाइट है जिसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ लिटरेचर्स लिखा गया है, तो चलिए इस कंटेंट को हम पहले यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देखिए कंटेंट को कॉपी करने के बाद उस कंटेंट को मैं यहाँ पर एक MS Office की फाइल में इसको सेव कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वर्ड डॉक्यूमेंट में से इस कंटेंट को दोबारा से एक बार कॉपी करके देखिए यहाँ पे एक टूल है, इंटरनेट पे जिसको स्पिन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। आप लोग क्या करिए, नेट पे गूगल पे स्पिन बोर्ड लिखिए तो ये आपके सामने एक टूल खुल करके आ जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी कंटेंट आपके पास है उसको आप यहाँ पे पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद आप इसके कैप्चा में जाइए और यहाँ पे लिखिए आई एम नॉट अ रोबोट पे आप क्लिक करिए और इसे गो कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने से मेरे पास एक रीड रिटन टेक्स्ट मेरे पास आ गया। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखाने के लिए इसको वापस अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए यह बिल्कुल हुबहू इस सेंटेंस का प्लैगरिज्म फ्री कंटेंट आपके नीचे डेवलप हो गया है। अब आप इस कंटेंट में दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस कंटेंट को आप एक बार ही जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभार इसका मीनिंग जो है वह गलत निकल जाता है, लेकिन यह एक बहुत ही आसान तरीका है किसी भी तरीके की प्लैगरिज्म को रिमूव करने का। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी, और इस नाम को आप कहीं पर नोट कर लीजिए, स्पिन बोर्ड। यह आपकी PhD में और थीसिस राइटिंग करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो जो मेरे दोस्त अभी PhD कर रहे हैं उन लोगों को यह टूल आशा करता हूँ बहुत ही पसंद आएगा, और वह इस टूल को अपने रिसर्च पेपर को लिखने में प्रयोग में लेकर आएंगे। तो चलिए इसी प्रकार की कुछ और इनोवेटिव वीडियोस के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।